विश्वास है कि ये जो विभाग की जो जिम्मेवारी है, ये विभाग कहीं ना कहीं उनके दिल से जुड़ा हुआ है और वो खुशी वो मना रहे हैं। सर, आपको काफ़ी टाइम हो गया, महीने दो महीने से ज़्यादा हो गए, किस तरीके की प्रथम दृष्टया आप लोगों के पास में समस्याएं हैं जिसको लेकर आप काम कर रहे हो? दो तीन मुख्य समस्याएं राजस्थान के इन सब जिस जो डिपार्टमेंट है आपके पास। देखिए, सबसे बड़ी समस्या राजस्थान से तो संबंधित है ही, क्योंकि हमारे युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और ये है कि पिछले दो वर्षों से अधिक समय निकल गया है और आर्मी में भर्तियां नहीं हो रही। और इसका जो मैंने पहले जो पहला पत्र निकाला है विभाग से रक्षा मंत्री जी को कि हम हजारों की संख्या से राजस्थान के युवा हैं जिन्होंने दौड़ में भाग लिया, पास हो गए, रैली में भाग लिया, सब मेडिकल क्लियर हो गया और एक अंतिम टेस्ट बचा है जिससे वो मेरिट में आएंगे, परंतु वो प्रक्रिया खत्म समाप्त नहीं हुई है। जब तक वो समाप्त नहीं होगी तो ये भर्ती हो नहीं सकती और भर्ती रोकी गई है, परंतु रिटायरमेंट तो हो रहे हैं सेना से। अब आज स्थिति ऐसी है कि लगभग 1.5 लाख की वैकेंसी है सेना में, पूरे भारतवर्ष में 1.5 लाख की वैकेंसी है और भर्ती नहीं हो रही। ये सबसे बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखें बहुत बड़ी समस्या है, और अपने युवाओं के रोजगार के हिसाब से देखें तो और भी बड़ी संख्या है। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के 3 प्रत्याशी थे, सांसद बन गए और एक बीजेपी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से पूरा खेल हुआ? एक और प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा था निर्दलीय के तौर पर, क्या कुछ इसके ऊपर? निर्दलीय के तौर पर उतारा था और ये है भी आपके मीडिया के आपके मीडिया के संबंधित है और आपको ये तो सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं इस पार्टी से, इस व्यवस्था से, वो यहाँ उतरे। मैंने तो जैसलमेर में कहा था जब मंदिर दर्शन करके निकला था कि आज ये जो वातावरण है इससे इतना तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास की बात नहीं है लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इस वातावरण को देखकर, इस वातावरण को, इस भाषा को सुनकर अटल जी की आत्मा को ठोस पहुँच रहा है। अच्छा सर, आप हमेशा विदेश मामलों को लेकर अपना बयान देते रहे, नूपुर शर्मा के बयान के ऊपर जिस तरीके से लगातार भारत पर दबाव बढ़ रहा है, इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसने जो बयान दिया और उसके बाद में जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ ने हम इंडिया पर दबाव बनाया, उसके बाद में पार्टी को निलंबन किया, आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए मैं भारत की छवि को बहुत अपमान सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप विदेशी कोई देश आप पर दबाव डालेगा फिर आप कार्रवाई करोगे किसी की बुरकता पर, इसका मतलब आप जो यहाँ की जो आवाज़ है इसको आप सुन नहीं रहे पर विदेशों की आवाज़ आप सुन रहे हैं। जब मूर्खता यहाँ हो रही है उसको दबाव उसको समाप्ति यही होनी चाहिए ना, किसी दूसरे से कहने से नहीं होनी चाहिए, अपने विवेक से होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो दुर्व्यवहार और भाषा हो रही है इस देश में, इसको इसका परिणाम अच्छा नहीं है। मोदी सरकार 8 साल का सेलिब्रेशन कर रही है, जगह जगहों पर स्वागत कर रही है, जिस तरीके से सरकार के कार्यकाल रहा लगातार एक के बाद एक प्रदेश भी जीत रही है, उसके बारे में क्या कमेंट्स करेंगे? पैसा है ऐसी व्यवस्था करने का और आनंद लेने का, तो पैसा का उपयोग हो गई। कैसा रहा कार्यकाल 8 साल का मोदी सरकार को किस तरीके से देखते हैं? आज रुपये का भाव क्या है डॉलर के प्रति, आज तेल का भाव क्या है? श्री रविशंकर ने घोषणा करी थी कि जब मोदी सरकार आएगी तो 40 का डॉलर 40 रुपए का हो जाएगा। अब उनसे पूछिए कैसा लगा कार्यक्रम। थैंक यू सर।